ओके सो अगर आप जून और जुलाई में अंडमान्स के लिए प्लान कर रहे हैं देन यू हैव फाइनली रीच द राइट प्लेस. दिस वीडियो इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट जून एंड जुलाई. आई लिव इन हैवलॉक आइलैंड सो वॉच द वीडियो टिल द एंड टू गेट ऑल द इनसाइट इन्फॉर्मेशन अबाउट जून एंड जुलाई 2024. व्हाट्स हैपनिंग हियर, हाउ विल बी द वेदर, प्लान करना चाहिए नहीं प्लान करना चाहिए. आई नो देर आर सो मेनी थॉट्स जब आप कोई भी जगह के लिए ऑफ सीजन में प्लान करते हैं बिकॉज ऑफिशियली इट इज ऑफ सीजन राइट नाउ. सो मैं सब कुछ बताने वाली हूँ. वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड प्लीज डू सब्सक्राइब, डू सपोर्ट मी. इट जस्ट सिंपली मोटिवेट्स मी मेक मोर वीडियोज. ओके सो लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो. हम एक एक टॉपिक लेके विल बी टॉकिंग. ठीक है, पहले लेट्स जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन. बहुत लोग पूछते हैं ये मुझसे कि अभी प्लान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. द मेन कंसर्न होता है वेदर को लेके. सो वॉट आई वुड से लाइक कोविड से पहले का अगर मैं बोलूँ तो हाँ, जून के एंड में थोड़ा बहुत बारिश आ जाता था. इवन मेरे चैनल में ऐसे बहुत सारे वीडियोस है जो मैंने पहले सालों में बनाए हैं पर्टिकुलरली जून और जुलाई के लिए. बट लास्ट ईयर का अगर मैं बोलूँ आपका कोई बारिश नहीं था जून में. जून जुलाई में वैसा कोई लाइक एकदम ड्रास्टिक जो बोलते हैं बहुत खराब क्लाइमेट होता है, बहुत बारिश होती है. स्पेशली आप वाटरवेज में आ रहे हो तो सबको लगता है कि सी सिकनेस हो जाएगा या फिर फेरीज रुक जाएंगी, साइक्लोन आ जाएगा. ट्रस्ट मी, मैंने जनवरी में टेरिबल साइक्लोन देखा है. तो साइक्लोन कुछ बोल के नहीं आता है कि हाँ मैं अभी आने वाला हूँ. और थोड़ी बहुत जो मानसून वाला जो बारिश होता है यहाँ पे उसमें फेरीज आपकी आज तक कभी भी स्टॉप नहीं हुई है, सब कुछ नॉर्मली ऑपरेशनल होता है. कमिंग टू वेदर, अगर मैं वेदर की वजह से बोलूँ कि आपको प्लान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं बोलूँगी आप करिए. बट डेफिनेटली कुछ चीज़ें जो आपको लाइक यू हैव टू बी लाइक सॉर्टेड विद दिस कि हाँ बारिश हो सकती है. यहाँ का बारिश का नेचर इज लाइक मूविंग क्लाउड्स. क्लाउड आता है, बारिश होता है, हवा आता है, फिर से चला जाता है. ऐसा कुछ नहीं कि सारा दिन बारिश हो रहा है, आपका पूरा ट्रिप ही स्पॉइल्ड हो गया, आप होटल में बैठे हो. अगर वो वाला कंसर्न है देन बी रिलैक्स्ड, वैसा कुछ नहीं होगा. डेफिनेटली प्लान फॉर इट. इनफैक्ट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इलेक्शंस नाउ, द इलेक्शन विच इज गोइंग ऑन इंडिया, मई में हमारे पास उतने गेस्ट नहीं है. सो यूजुअली क्या होता है ना, कमिंग टू वाटर एक्टिविटीज, मोस्टली मई के एंड तक आपका वाटर एक्टिविटी क्लोज हो जाता था. पर्टिकुलरली अगर मैं सी वॉक का बात करूँ, जैसे लास्ट ईयर आपका मई के एंड तक सी वॉक यहाँ से चला गया था. बट दिस ईयर सी वॉक विल बी देयर इन द मंथ ऑफ जून. सो अगर आप जून में प्लान कर रहे हो, आपको सारी वाटर एक्टिविटीज मिल रही है, आपको सारे बीचेस ओपन मिल रहे हैं, सो इट्स अ गुड टाइम टू प्लान. और अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ ज़्यादा क्राउड नहीं रहेगा, फैमिलीज बहुत आती है इस टाइम पे बिकॉज बच्चों के ऑब्वियसली वेकेशंस चलते हैं. सो इट्स अ गुड टाइम टू प्लान. यू कैन डेफिनेटली प्लान इन द मंथ ऑफ जून. कमिंग टू फेरी टिकट्स, आपका मई से फेरी टिकट्स कुछ कुछ फेरी कंपनीज नहीं ऑपरेशनल रहेगी. जैसे पर्टिकुलरली नॉटिका लाइट आपका बंद हो जा रहा है, जिसमें आपका थोड़ा मतलब सस्ता वाला टिकट मिलता था. बट ऑल्टरनेटिव टू दैट, ग्रीन ओशन का थोड़ा सेलिंग इंक्रीज हो गया. नॉटिका लाइट आपका कुछ सर्वे के लिए जा रहा है. सो वंस द सर्वे इज खत्म, एक बार सर्वे हो जाए, इट्स फिनिश्ड, उसके बाद फिर से नॉटिकल लाइट्स फिर से ऑपरेशनल हो जाएगा. मैं पर्टिकुलरली आपका सारी फेरी टिकट्स बुक कराती हूँ. आई गिव इट ऑन डिस्काउंट. सो इफ यू वांट दैट आल्सो, यू कैन ऑलवेज जस्ट व्हाट्सएप मी, डीएम मी इन दिस नंबर. आई कैन ड्रॉप यू, आई कैन बुक योर फेरी टिकट्स. ओके, उसके अलावा और वाटर एक्टिविटीज सारी ऑपरेशनल रह रही हैं. वेदर वाइज यू आर सॉर्टेड, यू कैन प्लान. उतना भी कुछ रिस्की नहीं है बिकॉज साइक्लोन कभी बोल के नहीं आता है. और मुझे नहीं लगता है वैसा कुछ होगा. आई डोंट फील, दैट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन. क्राउड अच्छा रहने वाला है, सारी बीचेस ऑपरेशनल रहने वाली है. जस्ट ट्रिप प्लान कैसे करना है और थोड़ा आइटिनरी को थोड़ा सा अच्छे से बनाइएगा, ताकि अगर भी थोड़ी बहुत बारिश हो भी जा रही है ना, सो देन यू हैव थोड़ा और टाइम टू विजिट द प्लेस विच यू आर मिसिंग ड्यू टू रेन. ओके, दैट इज जस्ट वन एडवाइस. अदर देन दैट, plan a trip, and if you need any help, any guidance from my side, I have package bookings available. I do ferry tickets. I have water activities available in Havelock, in Andamans, in all of Andamans. So if you need any help, any help, you can always call me and I'll love to guide you. That's all for this video. I hope thoda bahut bhi aapka doubt sort out hua hoga. And agar aur bhi kuch questions hai, you can always call me and ask me anytime. This is my number and this is me signing off. Bye.